सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारी वीडियो है, आज हम इस वीडियो में एनएसी पिक्चर की इस सिंपल सी फोटो का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यार प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट देखना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी करना है कि आप सभी को अपनी फोटो को सिंपल लाइट रूम में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जो है आप सभी को पहले इसका जो मतलब फोटो है इसका पहले आप सभी को शेडो को कम कर देना है। एंड उसके बाद ब्लैक है जो उसको भी कम कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से कॉन्ट्रास्ट है इसको कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को कम कर देना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देने के बाद हाईलाइट्स है जिसको हल्का सा आप सभी को कम कर देना है इसको भी। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है क्लियरिटी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इस वाले में जाकर आप सभी को फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है। ठीक है, फोटो क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड हल्की सी मतलब 18 तक कुछ बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको जो बिगिन है आपको इसमें हल्का सा पॉइंट डालना है, मतलब यानी कि अराउंड 2-3 तक। एंड उसके बाद आप सभी को जाना कलर्स वाले ऑप्शन में। इसके बाद जो इसकी जो क्या कहते हैं वाइब्रेशन है इसको आप सभी को 58 तक कुछ बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर है इसको आपको -10 तक कुछ रख देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को मिक्स में जाना है। एंड जो पेंट है हमारी उसका कलर इसका जो ल्यूमिनस एंड ह्यू है हम इसको चेंज करना है। तो ल्यूमिनस को हम इतना मतलब कि प्लस में रखते हैं 25 तक एंड ह्यू को जो है हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, 21 तक। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमारा लाइट रूम का काम हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिंपली यहाँ से बैक चलना है एंड यहाँ से हम अपनी आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लूँगा इस पहले। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से हम पहले फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। और जो हमारा लाइट रूम का काम था अभी यहाँ पे तो हो चुका है, अभी हमें लाइट रूम में दोबारा आना है। तो पहले क्या करेंगे, हम हमारी जो फोटो है इसकी पहले हम इसमें फेस स्मूथ करेंगे एंड इसके जो पिंपल्स वगैरह इसको हटाएंगे फोटो में से। ठीक है, तो उसके लिए अगर चलते हैं हम चलते हैं बैक एंड ऐसा हम कर लेते हैं स्नैपसीड ऐप को ओपन। ठीक है, एंड यहाँ पे स्नैपसीड ऐप का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार इसमें हीलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड क्वालिटी का लॉस भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये स्नैपसीड को चूज़ किया है। ठीक है, बाकी आप कोई और ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप सभी को जाना है हीलिंग में। हीलिंग में जाने के बाद आप सभी को सिंपली अपनी फोटो को इस तरीके से जूम कर लेना है। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को जो जहाँ जहाँ पे आप सभी को मतलब कि पिंपल्स वगैरह एंड ये जो जो आप सभी को ऐसा ऐसा कुछ फेस में हो तो आप इसको सिंपली यहाँ पे टैप कर करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा पिंपल्स हैं भाई के, तो मतलब कि जो मेन पिंपल्स हैं हम उनको हटा लेंगे, बाकी हम यहाँ से फेस स्मूथ करते वक्त ये तो बाकी हट ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना कर देते हैं एंड यहाँ से हम फटाफट थोड़ा जो मतलब कि थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम डन करते हैं एंड उसके बाद आप सभी को देखो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये बिफोर एंड आफ्टर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी हमारे मतलब चेंजेस करी है हमने फोटो में। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम अगेन जाएंगे पेंसिल वाले टूल में, जाएंगे पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा लोडिंग लेती है। तो उसके बाद क्या करना, आप सभी को इसे प्रेस करना है एंड स्किन स्मूथिंग भी लाना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको फुल कर देना है। ठीक है, 100 तक कर देना है एंड उसके बाद कर देना डन। ठीक है, तो गाइस आप सभी को देखो बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो गाइस कितना फर्क आया है। तो हम जाएंगे अगेन इस पेंसिल वाले टूल में एंड इसका जाएंगे पोर्ट्रेट में एंड उसके बाद हम एक बार और इसमें हल्का सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फेस यहाँ पे परफेक्टली स्मूथ हो जाएगी। तो हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अराउंड 24 तक कुछ कर देते हैं। ठीक है, इतना कर देने के बाद यहाँ पे हम करते हैं डन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इतना काम तो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फेस भी जो है स्मूथ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डोज एंड वन। ठीक है, तो डोज एंड वन के लिए हमें क्या करना है, वैसे जाना है पेंसिल वाले आइकन में एंड यहाँ पे आप सभी को एक ब्रश दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर जाना है एंड जिसकी ओपेसिटी आप सभी को 5 तक रखनी है। ठीक है, 5 तक रखनी है एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली फोटो को जूम करना है एंड फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद आप सभी को जहाँ जहाँ पे डोज एंड वन करना है वहाँ पे सिंपली आप सभी को ऐसे पेंट करना है 2-3 बारी। ठीक है, 2-3 बारी करोगे तो यहाँ पे अपने आप ही हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो देखिए गाइस कुछ इस टाइप से आप सभी को करना है। तो जैसे गाइस यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप सभी को इस टूल का जरूर यूज़ करना है यार, काफ़ी अच्छा टूल है। मैंने भी मतलब कि अपनी काफ़ी फोटोज़ में यूज़ करा है, तो आप भी प्लीज़ करना इसको। ठीक है, तो आप सभी को जहाँ जहाँ चाहिए उसको आप कर सकते हो। ओके, तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को पहले मैं बताता हूँ आप सभी को आगे क्या करना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डोजन बने यहाँ पे भी हमने कर लेते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं डन एंड आप सभी को दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है एंड जब हमने फेस भी वो भी स्मूथ कर लिया है, तो हम चलते हैं अब लाइट रूम ऐप के अंदर अगेन। ठीक है, यहाँ से हम फोटो कर लेंगे सेफ एंड लाइट रूम ऐप के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फोटो है सेव हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ चलते हैं हम बैक। एंड गाइस जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अगर अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और यार आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी से रिलेटेड वीडियोज़ ही लाता हूँ, मतलब कि जो आप मेरे से बोलते हो जिस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए होता है मैं उसी का ट्यूटोरियल लाता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाकी आप मेरे को कमेंट कर दिया करो कि आपको कोई ट्यूटोरियल पसंद हो तो मैं आपसे लिए इसका ट्यूटोरियल भी ला दूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जो हमारी फोटो जो है यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो हम सिंपली यहाँ से हम इस फोटो को ले लेंगे। ठीक है, तो इस फोटो को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आप सभी को जाना डायरेक्ट कलर्स वाले ऑप्शन में। तो
ठीक है, कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ से वाइब्रेशन का हल्का सा बढ़ा देना है। एंड उसका टेम्परेचर को माइनस में करना है, क्योंकि हमें इसे ब्लू टोन में लाना है, ठीक है, ना कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को ना मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद आप सभी को जैसे ये ऑरेंज कलर है, इसके सेचुरेशन को माइनस में कर देना है, तो आपका फेस एकदम बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। एंड उसके बाद जाना येलो कलर में, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है। एंड जो ग्रीन कलर है, इसके ह्यू को भी माइनस में कर देना है। एंड जो सेचुरेशन है प्लस में, ठीक है गाइस। इतना कर देने के बाद आप सभी को इसमें येलो कलर में जाना है, इसकी सेचुरेशन को भी बढ़ा देते हैं हम, बल्कि अराउंड 29 तक। एंड उसके बाद यहाँ से बढ़ा देने के बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है अगेन, मतलब ब्लू वाले टोन में, ब्लू कलर में। एंड इसके बाद आप सभी को जाना है ब्लू कलर जो पैंट का कलर है उसको को माइनस में रखना है, ह्यू को एंड सेचुरेशन को प्लस में, ओके। एंड यहाँ से कर देना है डन। एंड आप सभी को जाना है ऐसे इस थ्री पॉइंट्स में। एंड इसकी जो आप हाईलाइट्स वगैरह हैं, इन सबको भी आप येलो टोन में ला सकते हो, ठीक है। येलो टोन में काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब कि जो फेस भी है जो मतलब बैकग्राउंड से मैच हो जाता है, अगर आप पीछे का बैकग्राउंड अगर येलो रखते हो तो, ओके गाइस। तो आप सभी को ये जरूर ट्राई करना है, आप सभी को जो यहाँ से कर देना है डन। एंड उसका जाना आप सभी को इस क्लियरिटी वाले ऑप्शन में। एंड इसके बाद आप सभी को फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसका जो विग्नेट है उसमें आपको हल्का सा विग्नेट डालना है। एंड इसके बाद आप सभी उसको 10 तक कुछ रखना है विग्नेट, ठीक है। एंड उसका जो आपको ग्रीन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है अराउंड 27 तक। एंड उसके बाद आप सभी को जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस उसको बढ़ा देना है, क्योंकि जो हमारी फोटो की क्लियरिटी है ना वो मतलब कि थोड़ी HD में हो जाएगी। एंड उसके बाद जो नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस देखिए हमारी फोटो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल बनाए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।